कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 असंतुष्ट नेताओं में से एक राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को खत्म करने की मांग की। साथ ही सचिन पायलट, जिन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विद्रोह किया। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के 30 स्टार प्रचारकों में शामिल है। शनिवार को कांग्रेस द्वारा भारत चुनाव आयोग को सौंपी गई स्टार प्रचारकों की सूची में सोनिया गांधी और साथ में ही सचिन पायलट का नाम शामिल है। आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल सचिन पायलट का नाम सबसे ज़्यादा चर्चे बटोर रहा है। इसके पीछे की एक वजह यह भी है, सचिन पायलट को पार्टी यहां खुश करना चाहती है। दरअसल सचिन बीते दिनों काफ़ी ज़्यादा खपा हो गए थे। सचिन काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस से अलग थलग हो गए थे। पार्टी हाईकमान ने सचिन की तलक की साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अंत में पार्टी ने सचिन को राष्ट्रीय स्तर के राजनीति पर कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का आश्वासन दिया, बड़ी जिम्मेदारी सचिन को सौंपने का वादा किया। तब से लेकर अब तक सचिन इंतजार में थे और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सचिन पायलट को बिहार की राजनीति में उतारने का फैसला सोनिया गांधी द्वारा किया जा चुका है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों की स्टार प्रचारक सूची में शामिल है। कांग्रेस बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जहां कांग्रेस को 70 सीटें मिली है। बाकी आरजेडी और वागेल अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस ने अभी तक 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।